आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर है, अपने घर का सपना साकार करने का सबसे अच्छा मौका है। बड़ी खबर, हाउसिंग बोर्ड ने बढ़ाया बुधवार नीलामी उत्सव योजना का दायरा। योजना में शामिल किए गए 2985 नए आवास, जयपुर, भरतपुर, डूंगरपुर, भिवाड़ी और कोटपुतली में ये आवास। अधिकांश मकान जयपुर की विभिन्न योजनाओं में मौजूद, 50% तक की छूट पर ये मकान मिलेंगे। कल से शुरू होगी ई बिड सबमिशन की प्रक्रिया। अब ये जो अपने घर का सपना देख रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, वो भी इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। अपने घर का जो सपना देख रहे हैं वो सपना बहुत जल्द साकार हो सकता है। हाउसिंग बोर्ड ने बुधवार नीलामी उत्सव योजना का दायरा बढ़ा दिया है। योजना में शामिल किए गए 2985 नए आवास और जयपुर, भरतपुर, डूंगरपुर, भिवाड़ी, साथ में कोटपुतली में ये आवास। अधिकांश मकान जयपुर की विभिन्न योजनाओं में मौजूद हैं। जो अधिकांश मकान हैं वो जयपुर की अलग अलग जो योजनाएं हैं उनमें शामिल हैं। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, अब ये तो बहुत अच्छा मौका है उन लोगों के लिए जो लगातार अपने घर का सपना देख रहे हैं। किस तरीके से दायरा बढ़ा दिया गया है हाउसिंग बोर्ड की तरफ से बुधवार नीलामी उत्सव का, वो जरा बताएं। बड़ी खबर है दीपा, खासकर ऐसे समय में जब कोरोना की दूसरी लहर से राजस्थान उभरा है और कोरोना के बाद ही लोगों को अपने घर की महत्वता और पता चली है, क्योंकि धंधे जब बंद हो जाते हैं, दुकान बंद हो जाती है, बिजनेस ठप हो जाते हैं, खासकर छोटे लोगों के, तो उन लोगों के लिए बड़ा मौका है। और हाउसिंग बोर्ड 50% तक की छूट दे रहा है, यानी समझिए आप कि जो मकान अगर 15 लाख में मिल रहा था उसको आप 7.5 लाख रुपए में खरीद सकेंगे। तो जयपुर में 7.5 लाख रुपए में अगर प्रताप नगर जैसी स्कीम में अपने को मकान मिल जाए तो ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, बड़ी राहत है। खासकर हाउसिंग बोर्ड इस योजना का प्रचार प्रसार भी खूब कर रहा है। एक और सुविधा ये दी है दीपा हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर पवन अरोड़ा ने कि सैटरडे और संडे, शनिवार और रविवार को जो भी लोग इन प्रॉपर्टीज को देखना चाहते हैं, मान लीजिए आपको मकान खरीदना है, आप देखना चाहते हैं कि ये मकान कहाँ पे है, तो आप हाउसिंग बोर्ड के कार्यालय जाइए, वहां से आपको गाड़ी मिलेगी, उनका अधिकारी मिलेगा, आपको मौके पर ले जाएगा, दिखा के लाएगा कि ये मकान है, इसकी ये वैल्यू है, ये लोकेशन है, आपको ब्रीफ करेगा, बताएगा। तो बहुत सुविधा है कि शनिवार और रविवार को जो लोग खरीदने के इच्छुक हैं वो जाके साइट विजिट कर सकते हैं मुफ्त में हाउसिंग बोर्ड की गाड़ी से। इसके अलावा हाउसिंग बोर्ड ने एक सुविधा और दी है लोगों को इस पूरी प्रक्रिया में कि जितने भी हाउसिंग बोर्ड के ऑफिसेज हैं जिनके अधीन ये मकान बिक रहे हैं वहां पर हेल्प डेस्क खोले गए हैं, अगर आपको किसी भी तरह की जानकारी लेनी है, क्योंकि ये ई बिड सबमिशन है यानी इसमें आप कंप्यूटर से ही बिड भरनी है। मान लीजिए कोई मकान आपको पसंद आ गया तो आपको बिड भर के बताना है कि मुझे इस मकान का कितना अमाउंट देना है, तो हर किसी के लिए तो ये प्रक्रिया आसान होती नहीं, तो हाउसिंग बोर्ड ने हेल्प डेस्क खोले हैं, यानी आप वहां जाकर भी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। जो हाउसिंग बोर्ड के ऑफिस है वहां पर भी संसाधन लगा गए हैं, जानकारी ले सकते हैं। कोशिश यही है हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर पवन अरोड़ा की, जो मनसा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की, कि अच्छी दरों पर अच्छी क्वालिटी का मकान अच्छी लोकेशन पर अधिक से अधिक लोगों को मिले। और ये हमने देखा है कि बीते 2 साल में हाउसिंग बोर्ड ने रिकॉर्ड तोड़ लोगों को मकान उपलब्ध कराए हैं। जो लोग हाउसिंग बोर्ड के मकानों में रह रहे हैं बहुत खुश हैं, क्योंकि जयपुर में हर किसी का सपना होता है कि उसका अपना मकान हो, और अगर वो मकान 10 लाख तक के अमाउंट में, आप देखिए कि द्वारकापुरी में जो 1 BHK का फ्लैट है स्कीम में वो सिर्फ 6 लाख रुपए में लोगों को मिल रहा है। तो यही है कि ये बड़ा मौका है उन लोगों के लिए जो जयपुर में लंबे समय से मकान का इंतजार कर रहे हैं, उनको अपना मकान देखना चाहिए, लेना चाहिए, क्योंकि इससे अच्छा मौका सरकारी मकान खरीदने का इतनी अच्छी लोकेशन पे जयपुर में शायद नहीं मिलेगा। और जयपुर के अलावा दीपा, मैंने फोकस जयपुर में ही किया आपसे बातचीत में, जयपुर के अलावा भी बहुत ऐसे शहर हैं जहां पर इस तरह की सुविधा हाउसिंग बोर्ड दे रहा है। लेकिन शिवेंद्र, ये फैसला भी इसलिए लिया गया हाउसिंग बोर्ड की तरफ से दायरा बढ़ाने का, क्योंकि पहले भी तमाम योजनाएं चल रही है हाउसिंग बोर्ड की तरफ से, बुधवार नीलामी उत्सव योजना को आप ले लीजिए, जो रिस्पॉन्स लोगों का मिला उसके बाद ही ये फैसला भी किया गया कि चलिए दायरा बढ़ा दिया जाता है और जो लोग चाहते हैं कि उनको फायदा मिले तो उन लोगों को भी आसानी हो। बिल्कुल, वो इसीलिए क्योंकि जयपुर के बाहर भी बहुत लोग ऐसे हैं, कोटपुतली में, भरतपुर में, वो लोग भी चाहते हैं कि हमको आवास मिले, हमारे शहरों में मिले, हर कोई तो आदमी जयपुर आ नहीं सकता। तो मैं वही कह रहा हूँ कि हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर पवन अरोड़ा की कोशिश यही है दीपा कि हर वो व्यक्ति जो मकान लेने का सपना रखता है और जहाँ पर हाउसिंग बोर्ड के मकान है उसके सपने को वो सरकार की मंशा के अनुरूप साकार कर सकें, इसी के लिए इतनी अच्छी योजनाएं बनाई जा रही हैं, इतने अच्छे ऑफर दिए जा रहे हैं, और तरीका इतना अच्छा है, इतना अच्छा तरीका है इस सब में पार्टिसिपेट करने का कि आम से आम व्यक्ति, एक चाय की थड़ी लगाने वाला व्यक्ति भी इस प्रक्रिया में शामिल हो सकता है। बहुत फेयर प्रक्रिया है, क्योंकि 2 साल से इसी प्रक्रिया के तहत हाउसिंग बोर्ड ने न सिर्फ सफलता के झंडे गाड़े हैं बल्कि हजारों मकान लोगों को उपलब्ध कराए भी हैं। तो जो भी दर्शक हमारी ये खबर देख रहे हैं उनको भी मैं यही कहूंगा कि बड़ा मौका है, उनको हाउसिंग बोर्ड की वेबसाइट देखनी चाहिए, ऑफिस में जाना चाहिए,
अगर वो मकान लेने के इच्छुक हैं तो इससे बढ़िया मौका जयपुर और आसपास के। शिवेंद्र एकदम ठीक कह रहे हैं, मौके पर चौका लगा सकते हैं जिन लोग का सपना है अपने घर का। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए, पूरी अपडेट के लिए।